अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, खराबी उस वक्त शुरू होती है जब हम खुदा के फैसले खुद करने लगते हैं, जब हम अच्छे और बुरे इंसान के सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। इसके पीछे बुनियादी सोच तो ये होती है कि हम बेहतर हैं, और ये बड़ी खतरनाक सोच है, क्योंकि यही वो सोच है जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया कि मैं बेहतर हूं। खुदा के फैसले खुद ना करें। किसी इंसान को जब देखें तो ये मत सोचें कि वो अच्छा है या बुरा है, ये सोचें कहीं वो भूखा तो नहीं, कहीं वो मजबूर तो नहीं, कहीं उसे मेरी जरूरत तो नहीं। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं पुलिस स्टेशन में और देखते हैं इस वक्त वहां क्या हो रहा है। अरुण साहब, 2022 मुबारक होवे तानू। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए भी अल्लाह करे, बल्कि पूरी कौम के लिए ये साल बहुत बरकतों वाला हो। ओ जनाब, हैप्पी न्यू ईयर, तेरे बड़ी ड्यूटी दी है जी। हैप्पी न्यू ईयर ते भाई, न्यू ईयर पे कौन हैप्पी न्यू ईयर, ये तो एक दुआ है। रोज दिन रोटी नहीं मिलती घरों, क्यों वजह? अच्छा, चबड़ चबड़ बोल रहे। अच्छा, जिस दिन आप थाने में नहीं थे ना, हमने बहुत सुकून से ये सेगमेंट किया। चलो जी, मैं चलता फिर। तो साड़ा साहब खूज ही टेक पिया जी। इधर गुस्सा नहीं करना, एंट्री बनाई नवी। तो शायद थाने जी क्लिक कर जा। कहां से पढ़ के लाए उन दोनों को? हजूर, ये मुंडे ने दोवे ये जनाब बड़े शैतान आ, तां नहीं पता है की वारदाता पाउंदे आ। क्या करते हैं? फोन कॉल देते लोगों नु पागल बनाते, लड़कियां बनके। ये वो हैं जो मैसेज भेजते हैं कि मैं साइमा हूं जनाब, पैसे जमा करवा दें। कार दे पांच जी ने, इको चुल्ला दसो किथे जावा। सही गल है, देखो ना, ये ता फ्रॉड कर रहा है कि कम से कम एक एक बंदे दे हिस्से एक एक चुल्ला। कितने पैसे कमा चुके हो? इन बहुत ज्यादा, मेरे थोड़े होंगे जी। क्यों? कई खाना खराब वीडियो कॉल मिला लेंगे। ये तो दो कत्ल के परचे भी है। वो क्यों? मर भी तो गए। अच्छा, कैसे बोलते हो फोन पे? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली। इनको ये बताओ कि पकड़ तो लायो, कन्विक्ट कैसे करोगे? कोई सबूत है? कोई चीजें निकली इनसे? सर, बरामदगी हुई है नकलों। और छह मोबाइल फड़े ने ही है, बढ़िया कंपनी दे। ए देखो, ए देखो सर, ए पैसे ने। ओके, ए देखो, ए ज्वेलरी है, ए दो डायमंड रिंग ने। ओ माय गॉड, इनना कोलो फड़े ने। लोग कितने डेस्परेट हैं भाई। साहब जी, मेन बाजार च वड्डा लान लगे ने हुन। अच्छा। आ देखो, बहुत सोहने हैं जी। जी देख लो। आप बरी दिखा रहे हैं। यार ये किस तरह दिखा रहे हो? आ भी देख लो। नानके ने पाया। और यार बाज आओ, अंगूठी मामे लो। बुजुर्गो, थाना पिछे छड़ गए। अच्छा जी। जी मैनू लगता थाने चो हसन सरदार होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबी, तुहाडे ब्रेक शू खत्म ने या वैसे पिक ज्यादा है? चलो कुर्सी दे बुजुर्गों नू उथे। लै लिया कुर्सी, लै इधर बाबा जी आओ, बैठो। बाबा जी दसो। बड़ा दिल टूटे है बुजुर्गो, सिर्फ तुहाडी लत टूटी है। ओ नहीं दोस्ता, मैं जेड़ी रिपोर्ट आवे फिर अगे यार। बाबा ते सही भारां ए ते पिछे पिछे लै के कुर्सी फिर जिथे बह जाएगा दे दई। बाबा ते ऐ फिर रहे जिवें कुक्कड़ दीआं लत्तां च धागा फसिया हुंदा। मेरा नाम बशीर कटारिया है। बशीर कटारिया, करो। मेरी फ्योनसी है। कौन? फ्योनसी। फ्योनसी तोड़ी मंगेतर गल उसे दा, मंगेतर लोगों ने भी पता लगे। किस ने किडनैप कर ले ये ते दिल दा मामला है, मैं इथो अपनी फ्योनसी लेके जानी। आपकी मंगेतर अगवा हो गई है जी, और आप इतने आराम से बैठे हजूर? पांच छह दिन हो गए। अच्छा, इधर मत आइएगा, मेरी उधर ना गल नहीं हो। ओ माय गॉड, मेरे दिल दा मामला है, तुसी मजाक बना रहे हो। पांच छह दिन हो गए, फंसी तेरी नहीं लग रही, तू इथे पहला पौंदा फिरदा। पहला पाण वाली गल नहीं,
कि तुसी इत्थे तफ्तीश करो कि मेरी फियोंसी गई है ते गई किथे वे। आपको देख के लग रहा है कि आपके बच्चे शादीशुदा होंगे और आप फियोंसी की बात कर रहे हैं। देखो बच्चे। हेलो हेलो बुजुर्गो मारनगे। जिंदगी पहली बारी मैं रिवर्स होया हूं। तमाम तर वकूआ दसो होया की है। बरोज मंगल रात पौने 3 बजे मैनू एक कॉल आंदी अननोन जी। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ੀਰ ਕਟਾਰੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ਼ੀਰ ਕਟਾਰੀਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤਨਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੋੜ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਥਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 14 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਆ ਤੋ ਰਾਤ ਸਟੈਂਟ ਵੀ ਡਲ ਗਿਆ, 2.5 ਲੱਖ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਵੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਚੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਬੂਬਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਭਾਬੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਐਸੇ ਕਿਉਂ ਭਿਜਵਾਏ? ਆਪ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭਿਜਵਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਇਹਨੇ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੀ ਸ਼ੰਗੂਠੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ? ਹੋਈ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਹੋਈ ਹੋਈ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਹੋਈ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਇਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਰਿੰਗ ਭੇਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ! ਆਪ ਹੁਲੀਆ ਲਿਖਵਾਏ, ਉਹ ਢੂੰਡ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਰੂਕਤ, ਅੱਖ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਐਡੇ ਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਕੋ ਇਹ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਵੋ ਕਿਡਨੈਪ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਣੀ ਕਾਦੀ? ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ। ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਗਏ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੂੰ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਜਾਈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ 9 ਵਜਣ ਮੈਂ ਏਅਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਘਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਲੈ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਇਹੀ ਖਿਲਾਏ, ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਬੂਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਸਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਧੁੰਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰੋਣ ਡਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਏਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਮੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਮੇਰੀ ਛੱਬੋ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੱਬੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਛੱਬੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਕੀ ਛੱਬੋ ਕੀ ਥੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਏ ਛੱਬੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੱਬਾ ਹੀ। ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਫਰਾਡ ਹੁਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ? ਜੀ, ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਫਰਾਡ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਬੋ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਛੱਬੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਾਨੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਆਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਰਾਡ ਜਿਸਮੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹਮੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੂੰ, ਆਪਕੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਮੈਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਿਸੀ ਵੀ ਜੁਰਮ ਮੈਂ, ਔਰ ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਤਬ ਛੋੜੂੰਗਾ ਅਗਰ ਆਪ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਮੁਝੇ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਔਰ ਵੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਾਓ। ਵੋ ਜਬ ਆਪਕੇ ਬੱਚੇ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਕ ਹੀ ਜੈਸੀ ਸਭ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਵੋ ਰੋ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 5-10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਛੱਬੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੋ ਲੜਕਾ ਜਬ ਬੋਲਾ ਹੈ ਤੋ ਇਨਕੋ ਲਗਾ ਛੱਬੋ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਲੜਕਾ? ਇਹ ਲੜਕਾ ਅੱਗੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆ, ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੋ? ਇਨਕੋ ਫਿਕਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕੌਣ ਸੇ? ਕਿ ਛੋਨੇ ਕੋ ਛੱਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛਿੰਕੇ ਛਿੱਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ। ਛੋਨੇ ਕੋ ਛੱਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛਿੱਕੇ ਛਿੱਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਏ ਇਹ 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 ਕੱਢੋ ਰਿਵਾਰ, ਇਹ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਠਰ ਜੋ ਇਹ ਬਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਨੇ ਕੋ ਛਿੱਕੇ ਛਿੱਕੇ?
कौन है कि मेरे बाबू छोने ने खाना खाया? मेरे बाबू छोने ने खाना खाया? इधरों तो तू खाना खाए ना, उधरों तू छित्र खा गया। जो कुछ तुसी इन्हें दिता है जरा उसकी तफसील ते लिखाओ ना। सर डायमंड दी एक रिंग दीती, एक डायमंड दी रिंग दीती। तीन दिन कहंदे रही मेरा गला खराब है, मैनूं 2.5 तोले दा हार भेज, मेरा गला ठीक हो जाएगा। मेडिकल स्टोर ते लाके दित्ता। इहदे प्यो नूं स्टेंट पैणे से 2.5 लाख रुपया वो भी दित्ता। अच्छा चले, वो तो आपने जान बचा ली किसी की, अच्छी बात है। 2.5 लाख क्या मेरा कोई ऐसी गल नहीं, 2.5 महीने बच्ची ने गल्लां भी तो कीतियां ना। रूट साहब दिल किसी का दोस्त नहीं, दिल किसी का दोस्त है। एडे एडे चुमके मैं इनू दिते। अच्छा एडे एडे तू इनू चुमके दिते? हाँ जी। ए अलाउद्दीन तू ले आया? मैनू मेरी अच्छी समी चाहिए थे, इनू को 30-35 साल कैद होनी चाहिए थी। चलो अगे लगो, चलो गल करिए एसएचओ साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वाले सलाम। एसएचओ साहब मेरे घर चोरी हुई है, मेरा सारा जेवर चोरी हो गया। ए कुर्सी इधर रखो। बैठो सर। ए कौन है जी? शौहर ने मेरे। ये तड़े शौहर ने? हां जी। बाहर बैठो। नहीं बैठो बैठो। ओए इज्जत की चोरी है तड़ी। ऐसा जो साहब मेरा हार पता नहीं कौन ले गया। सारा कुछ तड़ा चोरी होया। और किदा? तुसी बाहर बैठो। देखो पूरा पूरा सामान लिखवाया ना। अच्छा जी 2.5 लाख रुपया जी। नकद सोने दी एक सोने दा सेट जी। सोने दे चुमके भी सन। सोने दे चुमके, सोने दा गुलूबंद भी सी, मेनू याद आया। सोने दा गुलूबंद? गुलूबंद ताडा जी। सोने दा हार चोरी होया मेरा। ए सारा कोई साडे को है। चार सेट सन चुमकियां दे। इस अलावा भी साडे को काफी चीजां। चार सेट चुमकियां दे। बेगम जी ओ चूड़ियां। चूड़ियां 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 भी सन। चूड़ियां सोने दियां। भाभी दी चूड़ियां ते बाकी लंगा शंगा ले लिया। इनके शौहर को देख के लगता नहीं है कि इतना सोना इनके पास होगा। सर हमारी फैक्ट्री है। तुसी ते चुप करो, एदा कख भी नहीं हैगा। हरून साहब सारियां फैक्ट्रियां मेरियां ने। सारा सोना मेरा। मैं गलत कह रहा? बाहर बैठो। सारा कुछ तो मेरा है। अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा होर इस तो इलावा की है? एसएचओ साहब एक गल तो मैं तानू दस ही नहीं। अहम गल है। बहुत अहम गल है। तू चल भी बाहर। एसएचओ साहब 3 दिन पहले मेरी बहुत कीमती चीज चोरी हुई है। ओ की बेटा? हीरे दी अंगूठी। डायमंड रिंग? डायमंड रिंग। आहो तड़ी चोरी हुई। आहो और चलो दबाओ बाहर। अच्छा बाहर जाना तेरा बनता सी डायमंड हीरे दी अंगूठी। नहीं मैं कहा भूल दी ना, मैं दो बारी कह दिया। अच्छा बेटा डायमंड दी अंगूठी चोरी हुई जी? अंगूठी मेरे चोने चोने ने चोरी की। आपके वालिद भी हैं? नहीं मेरे ससुर हैं। अच्छा अच्छा आपके ससुर ग्लासेस लगाते हैं? किस, जी जी। किस तरह तोड़ते कि जिन सर नहीं तोड़ते? उन्होंने आदत है हो जी। बुजुर्गो इधर देखो अपना कटारिया साहब। कटारिया साहब। नैन कटारिया। उठते क्यों नहीं कटारिया साहब? कटारी आपके ससुर कटारिया साहब हैं? हां कटारिया साहब ये बैठे हैं। कोई तन्नू थोड़ी बहुत हयारिया साहब। अब्बा जी तुसी पुत्र तू मेरे थाने च देख के हैरान हुई है ना? आज तो बाद तेनू तेरा प्यो कटारिया थाने च नजर नहीं आएगा। तेनू देख के मेरी लत्थां कम गई हैं। थाने दारा मैं मंजर नहीं देख सकता। आपका बेटा है? मेरा पुत्र है, मेरे नाल ज्यादा तेजी नाल बुढ़ा हो रहा है। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। विजय के बाद अब मैं मन ही मन में राहुल को भी पसंद करने लगी हूँ। पूजा जी राहुल लड़ाना चाहती सानू।